अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ैन किट जी एसी डीसी। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका जो एसी हिस्सा है वो इसका डैमेज हो चुका है। ये चेक कर लें, रेजिस्टेंस वगैरह ये डेड हो चुकी है। इसका मेन पावर हिस्सा ये देख लें, ये डेड हो चुका है। और ये 12 वोल्ट पर ये बिल्कुल ठीक ऑपरेट हो रहा है। आप चेक कराता हूँ, ये इसकी आवाज़ आ रही है। इसका जो प्लेट वाला हिस्सा है जिसको 12 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं डीसी हिस्सा, वो इसका ठीक है, लेकिन इसका एसी हिस्सा नहीं काम कर रहा। अब हमने ये करना है कि इसके एसी हिस्से में हमने एसटीआर लगा देना है, CA888। वो अब कैसे लगाना है आपको लगा कर दिखाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना। ये इसके मैंने टोटल पार्ट्स ओपन कर दिया जी, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। अब मैं इसमें एसटीआर लगाता हूँ, आपको लगा कर दिखाता हूँ कैसे लगाना है। ये वाला एसटीआर, CA888, ठीक है। इसका ये वाला रेक्टिफायर ब्रिज भी, ये भी डेड थी, ये शॉर्ट थी, ये भी मैंने निकाल दिए। उसके बाद ये इसके कनेक्शन मैंने सभी कर दिए और अब हमारा ये फ़ैन की गेट ऑन हो चुकी है। इसका ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है जी। ये रेक्टिफायर लगाया है इसका अलग से और ये पीसी पर पॉइंट लगा दिया। ये इसका मेन जो पॉजिटिव वोल्ट आते हैं वो इसके सेंटर में लगा दिया, जो कोयल से होकर आते हैं। और ये मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव पर लगा दिया। ये सर्किट देख लें आप, और ये अब किट वर्किंग पे है। आपको इसमें मैं आवाज़ भी चेक करा देता हूँ, ये चेक कर, ठीक है जी। बजर भी दे रहा है और इसकी रिले भी ऑन हो रही है। ये मैंने पावर निकाल ली, अब ये दोबारा चेक करा, ठीक है जी। ये इसमें मैंने जो एसटीआर लगाया वो ये वाला, ये चेक कर लें, CA888। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफिज़। ये इसकी मैंने फिटिंग भी कर दी, एसटीआर भी इसके ऊपर ही मैंने लगा दिया और साथ हीट सिंक भी लगा दिए ताकि हीट भी ना हो।